मोदी चाचा, आज 15 दिन हो गए काम ढूंढते ढूंढते, लेकिन कहीं काम नहीं मिल रहा है। कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, जिस गांव में जाते हैं वहां काम ही नहीं रहता है। वहां के लोग मना कर देते हैं कि कोई काम नहीं है। मोदी चाचा, मैं तो एकदम थक गया हूं भाई, चल चल के अब मेरी हिम्मत नहीं है और आगे चलने की। राहुल, तुम इतनी जल्दी हार मान जाते हो यार किसी चीज को लेके। अरे काम की तलाश में निकले हैं तो काम तो मिलेगा, थोड़ा तो तसल्ली रखो। अब देखो केजरीवाल, लालू और योगी भी तो हमारे साथ घूम रहे हैं काम के लिए, लेकिन वो नहीं थक रहे हैं, वो नहीं हार मान रहे हैं। तुम पता नहीं किस मिट्टी के बने हो कि इतने जल्दी हार मान गए। लालू चाचा, मैं हार नहीं माना हूँ, लेकिन एक चीज बताओ, गांव में कौन सा काम मिल जाता, कौन से इतने बड़ी फैक्ट्रियां और कंपनियां लगी हुई है जो हमको काम मिल जाएगा। अरे भाई, गांव में किसी का मकान वकान बन रहा होगा तो वहाँ हमें लेबर का काम मिल जाएगा, इससे ज्यादा और क्या मिल जाएगा। राहुल, मैंने मोदी जी को बोला था कि गांव में कुछ नहीं रखा है, शहर में चलो, शहर में कोई अच्छा काम मिल जाएगा वहाँ अपन काम करेंगे, लेकिन ये बोले नहीं, गांव में भी अच्छा काम मिल जाता है। अब ढूंढ ढूंढ के परेशान है, देखो यहाँ पहाड़ों में आ गए ढूंढने काम, अब यहाँ कहाँ काम मिलेगा, हम तो खुद परेशान है, हमारा तो दिल कर रहा है अब घर वापसी चलो। केजरीवाल, ऐसी बात नहीं है कि गांव में काम नहीं है, गांव में भी बहुत काम है, लेकिन अब इस समय नहीं मिल रहा है तो इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है। अब देख लो, अगर जो मोदी जी को मैंने बोला था कि अगर जो बिहार में चलते तो वहां अच्छा काम मिल जाता, लेकिन ये बोले नहीं, बिहार में नहीं चलेंगे, यहीं काम ढूंढते हैं, अब यहां कोई काम ही नहीं मिल रहा है। लालू जी, बिहार में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि वहां पे शराब की बंदी है। अब बताओ, हम पूरा दिन थक हार के काम करके जब घर पे लौटेंगे तो थोड़ा सा तो पीने के लिए चाहिए ना, थोड़ा थका उतारने के लिए तो एक पैक चाहिए। अब बताओ, वहां जब मिलेगा ही नहीं तो क्या फायदा वहां काम करके, इसलिए मैं नहीं गया। मोदी जी, तुम्हें शराब की बड़ी चिंता है कि शराब नहीं मिलेगा, पर काम की चिंता नहीं है, ये नहीं देख रहे काम नहीं मिल रहा कहीं पे। किसी से पता करें, किसी से पूछे कि किसी गांव में काम वाम है कि नहीं है। मेरा दिल तो कर रहा है कि अब घर लौट चलते हैं, फिर कुछ दिन आराम करके फिर निकलेंगे घर से। योगी जी, एक चीज बताओ, बगैर कमाए हम गाँव जो चले गए और घर वालों ने हमसे पैसे मांगे तो बताओ हम कहाँ से देंगे। ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि हम कमा के नहीं आए हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। रुको, एक आदमी आ रहा लगता है इसी गांव का है, इससे पूछते हैं, इसके गांव में काम हो तो हमें भी दिला दे। अरे भैया, मैं भी काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, उस सामने वाले गांव में गया था काम के लिए कि वहाँ कोई काम मिल जाएगा, फिर उस गांव वाले ही हमसे कहने लगे अगर जो तुम्हारे पास कोई काम हो तो हमको भी ले चलो, यार वहाँ भी काम नहीं है, अगर जो तुम लोगों के पास कोई काम हो तो हमको भी साथ में रख लो यार, हम भी काम कर लेंगे तुम लोगों के साथ में। मोदी जी, मैंने तुमसे बोला था कि गांव में काम ढूंढने के बजाय शहर में चलो, शहर में काम अच्छा मिल जाएगा, लेकिन तुम सुनने वाले कहाँ हो, तुम जब देखो अपनी चलाते हो, अब भटको इधर से उधर। केजरीवाल, तुम ज्यादा परेशान मत हो, बस साथ साथ चलते रहो, कहीं ना कहीं काम तो मिलेगा। और दोस्तों, अगर जो आप लोगों के गांव में काम हो तो हमें बताओ, और अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।